गाजा पट्टी में इजरायली नरसंहार के खिलाफ दुनिया भर में कई जगहों पर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किए। इसराइल पर गाजा के लोगों की सामूहिक हत्या करने और उन पर अत्याचार करने सहित कई आरोप हैं। हालांकि दुनिया भर में हुए इन प्रदर्शनों का इसराइल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, वो हमले करना और अत्याचार करना जारी रखे हुए हैं। इसराइल पर कोई दबाव काम न करता हुआ देख प्रदर्शनकारियों ने अब दूसरा रास्ता अपना लिया है। फिलिस्तीनी समर्थक प्रदर्शनकारियों ने मेक्सिको सिटी में इजरायली दूतावास की दीवार में आग लगा दी है। इस दौरान लोगों की पुलिस बलों के साथ झड़प भी हुई। प्रदर्शनकारियों ने गाजा में फिलिस्तीनियों के नरसंहार की निंदा की है। सोशल मीडिया पर शेयर किए गए वीडियो में पुलिस दूतावास की जलती हुई दीवारों को बुझाती हुई दिख रही है। दरअसल रविवार को इजरायली हवाई हमले में राफा में कम से कम 45 फिलिस्तीनी मारे गए हैं। इसराइल के इस कारनामे से नाराज लोगों ने प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। लगभग 200 लोग मंगलवार को लोमास डी चापुल्टेपेक के पास परिसर में अर्जेंट एक्शन फॉर राफा के प्रदर्शन के लिए इकट्ठा हुए थे। ये सभी प्रदर्शनकारी अपने चेहरे पर स्कार्फ पहने हुए थे और पुलिस पर पत्थर और कॉकटेल फेंक कर इसराइल के खिलाफ अपना विरोध जता रहे थे। इजरायली दूतावास तक प्रदर्शनकारी पहुंच ना पाए इसके लिए बैरिकेड लगाए गए थे। उस बैरिकेड पर ही लोगों ने धावा बोल दिया। इधर मैक्सिको ने भी दक्षिण अफ्रीका की शिकायत के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ में हस्तक्षेप की घोषणा की है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका ने अपनी शिकायत में इसराइल पर गाजा में लोगों के नरसंहार का आरोप लगाया है। बीते शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र न्यायालय ने यहूदी राज्य इसराइल को राफा में सैन्य हमले और अन्य सभी तरह की कार्रवाई को तुरंत रोकने का आदेश दिया है। हालांकि हमेशा की तरह ही इसराइल ने नरसंहार के आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा कि गाजा में उसके सभी अभियान ICJ के नियमों के अनुरूप है। इजरायली रक्षा बलों यानी IDF ने तर्क दिया कि राफा में शरणार्थी शिविरों में मौतें हमास आतंकियों पर हमले के दौरान फ्यूल टैंकों पर छर्रे लगने से हुई है। और इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने नागरिकों की मौत को एक दुखद गलती बताया है। इजरायली रक्षा मंत्री युवाओ गैलेंट ने कहा कि IDF हमास को नष्ट करेगा और पिछले साल 7 अक्टूबर को इसराइल के खिलाफ फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह के हमले में पकड़े गए सभी बंधकों को मुक्त कराने के लिए राफा में हमले और बढ़ाएगा। इससे साफ है कि इसराइल हमला रोकने के इरादे में बिल्कुल भी नहीं है। इससे पहले जब अमेरिका ने इसराइल को राफा में नरसंहार रोकने के लिए चेतावनी दी थी, उस समय भी उसने साफ कहा था कि अमेरिका समर्थन नहीं देगा, तब भी वो सैन्य अभियान जारी रखेगा।